जबकि इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने अदालती हुक्म के बावजूद 2014 में धरना दे दिया। हुक्म अदौली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, दरख्वास्तों की जल्द समाअत के लिए हाईकोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उमर शाकिर से। उमर, ये दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई? जी, ये दरख्वास्त वकील एडवोकेट ए के डोगर की जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौकफ अख्तियार किया गया है कि लाहौर हाईकोर्ट के अहकाम के बावजूद 2014 के धरने पर इमरान खान और ताहिरुल कादरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में जेरे समाअत है। ताहम इस केस की जल्द समाअत की इस दरख्वास्त में इख्तिदा की गई है। दरख्वास्त में ये मौकफ अख्तियार किया गया है कि लाहौर हाईकोर्ट ने इन दरख्वास्तों पर समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस इनवाल हक की सरबराही में 3 बेंच तश्कील दिया है, लेकिन दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा रही। अदालत में दरख्वास्त में इख्तिदा की है कि अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान और ताहिरुल कादरी लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना। शुक्रिया उमर शाकिर।